जो आपका अभी का मीन्स पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा जो लेटेस्ट करिकुलम है मेडिकल साइंस का वो बोलोनिया करिकुलम है। हेलो एंड वेलकम टू माय करियर पाठशाला फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं प्रेम आनंद आपको इटली एमबीबीएस के बारे में कुछ ऐसे क्वेश्चंस हमारे होंगे जो दो पार्ट में हमने इस वीडियो को कवर किया है। तो फर्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे, सेकंड पार्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो इटली एमबीबीएस के कॉन्टेक्स्ट में जो चीजें हम लोग अभी तक समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें मुझे लग रहा है या हमारे पूरी टीम को यह समझ में आ रहा है कि इंडियन पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स वो कन्विंस ज्यादा नहीं हो पाए हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पार्ट वन विद दिस क्वेश्चन। हेलो फ्रेंड्स, आई एम मेघा। Honestly accepting the fact that Indian students and parents IMAT या Italy MBBS के लिए convince नहीं हो पाए हैं। ऐसे ही कुछ questions जिनके answer आज हम आपको देंगे, उनका आपको भी एक comparative analysis करना है। पहला question हम ले लेते हैं, unawareness about Italian MBBS process। Yes, अभी भी बहुत unawareness है about Italian MBBS because मोस्ट ऑफ द कंसल्टेंट्स ये अभी फोकस ही नहीं कर पाए हैं और जो फोकस कर रहे हैं वो कन्वेंशनल कंट्रीज के ऊपर कर रहे हैं, रशिया, बांग्लादेश, यूक्रेन एक्सेट्रा, इन कंट्रीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं विच दे आर नॉट डिलीवरिंग द डेप्थ नॉलेज। उनको खुद को नहीं पता कि व्हाट इज इटालियन एमबीबीएस, किस तरीके से आप स्टूडेंट्स को आपने कन्वे करना है अबाउट इटालियन एमबीबीएस। तो माइन्यूट एनालिसिस अभी तक आपको कोई सर्व नहीं कर पा रहा है। सेकेंड हम बात करते हैं अनअवेलेबिलिटी ऑफ IMAT प्रिपरेशन इन कंपैरेटिव टू नीट प्रिपरेशन। देखिए ये एक फैक्ट है कि जितने नीट कोचिंग सेंटर्स आपके डोरस्टेप पे अवेलेबल हैं, बी इट ऑनलाइन ऑफलाइन, आपको हर कोई पीसीबी की नीट के रिगार्डिंगली कोचिंग दे देता है, बट अगर IMAT की बात की जाए तो IMAT का टेस्ट पैटर्न ही अभी किसी को नहीं पता, तो वो आपको कोचिंग कैसे देंगे। तो ये आपको बहुत देखने वाली बात रहेगी कि आपके लिए अगर नीट की कोचिंग इम्पॉर्टेंट है तो आपके लिए IMAT की कोचिंग भी इम्पॉर्टेंट है। थर्ड हम बात कर लेते हैं कंफर्ट जोन ऑफ स्टूडेंट्स हु प्रेफर डायरेक्ट एडमिशन रादर देन गोइंग फॉर अ सच अ लॉन्ग एंट्रेंस एग्जाम। यस, दिस इज द रियलिटी कि कंफर्ट जोन जो स्टूडेंट का है उसमें स्टूडेंट्स अपने आप को थोड़े से लॉन्गर प्रोसेस या फिर एंट्रेंस बेस्ड जो आपके यूनिवर्सिटीज हैं, कंट्रीज हैं, वहां जाने के लिए रेडी नहीं होते हैं। रीजन बिहाइंड कि उनको जो एक लंबा प्रोसेस दिखाई पड़ता है वो कहीं ज्यादा उससे आसान है कि आपका मार्क्स लिया, नीट का स्कोर देखा और आपके बजट के हिसाब से आपको कंट्री प्रोवाइड कर दी गई, यूनिवर्सिटी प्रोवाइड कर दी गई, आप वहां चले गए। लेकिन इस मेंटेलिटी से जब आप बाहर आते हैं, जब इस कंफर्ट जोन से आप बाहर आते हैं तो यू आर एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड्स बेस्ट यूनिवर्सिटी, द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, द लेटेस्ट जो आपका अभी का मीन्स पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा जो लेटेस्ट करिकुलम है मेडिकल साइंस का वो बोलोनिया करिकुलम है। आप उसको एक्सपीरियंस करने के लिए उसी कंट्री में जाते हैं जहां बोलोनिया करिकुलम का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये कंफ्यूजन जो है स्टूडेंट के बीच में कि भाई इतने ज्यादा लंबे प्रोसेस में क्यों मुझे जाना है, क्यों नहीं मुझे जो है डायरेक्ट एडमिशन वाली कंट्री में आप मीन्स सेट कर देते हैं, तो कहीं कहीं आप उस चीज को लैक कर रहे हो जो नजदीकी फायदा है और दूर का नुकसान है। तो इसको आप जरूर से जरूर पहले डिफरेंस समझिए सो दैट आप कंफर्ट जोन से आप बाहर आएंगे तो आपको एक न्यू वर्ल्ड समझ में आएगा, एक उसका स्टैंडर्ड मेडिकल साइंस का वहां पर समझ में आएगा। फोर्थ, क्या नीट एस्पिरेंट्स ओवर कॉन्फिडेंट है कि उनका नीट का प्रिपरेशन कंप्लीट है तो वो IMAT को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं? नीट एस्पिरेंट्स पीसीबी में बहुत अच्छा स्कोर कर लेते हैं, इवन अगर 50% भी स्कोरिंग है स्टूडेंट का तो वो भी समझते हैं कि IMAT का जो पीसीबी है वो बहुत इजी होगा उनके लिए। बट माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि एग्जामिनेशन का जो टेम्परामेंट होता है वो चाहे नीट हो कि IMAT हो या इंटरनेशनल किसी भी तरह का टेस्ट हो, वो आपका टेम्परामेंट डिफरेंट होता है, उसकी प्रैक्टिस डिफरेंट होती है। और पीसीबी सिर्फ IMAT के अंदर नहीं है, अगर आपने इस चीज का अपने ऊपर बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस आप इस चीज से हो गए कि आपका पीसीबी बहुत अच्छा है तो IMAT भी आपका उसी हिसाब से आप उसमें स्कोर कर लेंगे, ये आपकी कहीं ना कहीं भूल होगी। इस वजह से
क्योंकि जो IMAT का सिलेबस है वो इंटरनेशनल बोर्ड कैम्ब्रिज जो आपका बुक्स है उसके उसके ऊपर बेस्ड होता है. एंड द डेप्थनेस ऑफ कैम्ब्रिज पब्लिकेशन के जो बुक्स हैं, जो उनके सिलेबस है वो कहीं ज्यादा एनसीईआरटी से है. प्रैक्टिकल ओरिएंटेड क्वेश्चन ज्यादा होते हैं, तो उसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको हर हाल में एटलीस्ट कुछ प्रैक्टिस तो उन क्वेश्चन के करने ही पड़ेंगे. दैट मीन्स ये नहीं है कि आप 10 साल 11 साल के क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर लेते हैं और आपका काम हो जाता है. नहीं हो सकता. उसके लिए आपको रेफरल बुक्स है, उसके लिए आपके पास स्टडी मटेरियल्स है, टेस्ट मटेरियल्स जो अवेलेबल है, जो हम लोग स्टूडेंट्स को अभी प्रोवाइड कर रहे हैं अपने कोचिंग में, तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होता है. सो इट नीड्स द प्रैक्टिस. सो योर ओवर कॉन्फिडेंस ऑफ पीसीबी वॉन्ट वर्क हेयर. और जो आपका लॉजिकल रीजनिंग है ये डिसाइडिंग सब्जेक्ट है, इसकी प्रैक्टिस तो आपको हर हाल में कम से कम 3 से 6 महीने के बीच में कहीं ना कहीं कुछ करना ही पड़ेगा. और लेटेस्ट अपडेट ऑन IMAT एंड इटली MBBS के लिए बने रहिए माय करियर पाठशाला के साथ. और इस वीडियो से आपको कोई भी वैल्यू मिलता है तो इसे अपने फ्रेंड के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ जरूर शेयर करिए. और दिए गए नंबर पे हमें कॉल करिए, मैसेज करिए. वी आर जस्ट अ कॉल अवे फॉर योर क्वेरीज एंड वी विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.